हाय एवरीवन दिस इज़ पारुल एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन पजल प्रो सो आई होप कि ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट तो इस वे क्लर्क प्रिलिम्स का रिजल्ट आउट हो चुका है एंड आई एम गेटिंग सो मेनी मैसेजेस ऑन टेलीग्राम कि मैम uh, कुछ बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि मैम मेरा पेपर क्लियर हो गया है uh, और कुछ बच्चे ऐसे हैं काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि मैम मैं इतने अटैम्प्ट करके आया था एटी टू अटैम्प्ट थे मेरे एटी एट अटैम्प्ट थे फिर भी नहीं हुआ मेरे क्वेश्चन गलत बहुत ज़्यादा हो गए तो पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ अगर अभी सिलेक्शन नहीं हुआ तो देर इज़ नथिंग टू बी वर्ड ऑफ नहीं मतलब चिंता नहीं करनी है टेंशन नहीं लेनी है किसी चीज़ की वो कहते हैं ना ऑलवेज लुक एट द पॉजिटिव साइड हमेशा अगर अभी आपका सलेक्शन नहीं हुआ तो इसमें पॉजिटिव क्या है आप सभी सोचेंगे अम, देखो तुम्हारे पास ना पूरा का पूरा 2023 पड़ा है और 2023 का एक सिंगल पेपर अभी तक नहीं हुआ जो भी गलतियां की है उनसे सीख लो अब एक बात सोचो टेंशन लेने से क्या होगा अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब करोगे अपना कुछ टाइम वेस्ट करोगे है ना और फेलियर्स किसकी लाइफ में नहीं आते हैं आपके बड़े बड़े एजुकेटर्स हैं आपके घर में सबसे बड़े एग्ज़म्पल्स हैं हमारे माँ बाप हैं ऐसा होता है ना कि हाँ मेरे पापा ने तो मतलब घर में बताते हैं कि मैंने कभी ये बिज़नेस किया था फिर मैंने वो बंद कर दिया फिर मैंने ये स्टार्ट किया तो ठीक है फेलियर्स तो सबकी लाइफ में आते हैं हमारे घर में हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं तो क्या उससे बिल्कुल घबरा कर अगर बैठ जाओगे साइड में दुबक कर मेहनत नहीं करोगे तो फिर हमेशा बैठे ही रह जाओगे फिर कभी कुछ नहीं होगा तो इसीलिए ज़रूरी है आपको क्या करना है बाउंस बैक करना है मेहनत करनी है जो गलतियाँ सबसे बड़ी चीज़ पता है कि आज के टाइम में ना इंसान इंट्रोस्पेक्ट ही नहीं करता है एनालाइज नहीं करता है कि वो कहाँ पर गलत जा रहा है अगर गलती कर रहा है तो ठीक है बस चल रहा है सब कुछ ऐसा ही है कामयाब वही इंसान होता है जो एक्चुअली ये सब चीज़ें जब आप रात को सोते हो ना तो सोचो कि आज, आज आपने पूरे दिन में सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं मैं इन जनरल भी बात कर रही हूँ रात को जब सोते हो ना तो उससे पहले सोने से पहले पाँच दस मिनट अपने आप को दिया करो सोचा करो कि आज मैंने पूरे दिन में क्या किया है कितना अच्छा काम किया है कितनी मैंने मेहनत की है ये ये मेरे वीक एरियाज हैं और मुझे इन वीक एरियाज पर अभी मेहनत करने की ज़रूरत है तो इसीलिए कह रही हूँ टेंशन मत लो 2023 पड़ा है कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ सभी एग्ज़ाम्स बाकी हैं अभी आपके तो आपको क्या करना है मेहनत करनी है और सही तरीके से मेहनत करनी है उसके लिए आपके एजुकेटर्स हैं ही आपको मोटिवेट करने के लिए आपको सपोर्ट करने के लिए आपको सही रास्ता दिखाने के लिए जो आपकी कमियां हैं वो तो आप ही पूरा करेंगे ना उनको आप ही अपने रास्ते से हटाएंगे कमियों को आप ही पूरा करेंगे टीचर्स आपको बता सकते हैं कि आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं कि आपको मेहनत करनी है तो आपको इस डायरेक्शन में जाना है अब आपको देखना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है आपका इंग्लिश वीक है मैथ्स वीक है रीजनिंग में कोई पर्टिकुलर चीज वीक है जो चीज़ वीक है उसको अपना स्ट्रांग बनाओ उस पर मेहनत करो डरो मत कि ये चीज़ मुझसे नहीं होगी अगर अभी से घबरा अरे अभी तो क्या ही देखा है लाइफ में अभी तो कुछ भी नहीं देखा आगे तो पता नहीं क्या क्या आना है है ना जब बैंक में नौकरी लग जाएगी तब भी आगे भी बहुत सी चीज़ें होनी हैं धीरे धीरे सब चीज़ों का पता चलेगा अभी तो हमारा बिल्कुल पहला पड़ाव है बैंकर बनना है अभी तो है ना आगे बहुत सारे चैलेंजेस आने बाकी हैं तो अभी घबराओ नहीं उठो ऐसा यू साइड में पड़े मत रहो घर में कि हाँ मम्मा मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ पापा नहीं हुआ आप एक कमरे में अभी अपने आप को ऐसे बंद करके बैठे हो आज मैं नहीं मेरा मन नहीं है मैं खाना नहीं खाता मैं ये नहीं करता नहीं ठीक है टिकट पॉजिटिवली दो हज़ार दो हज़ार पूरा पड़ा है अभी तो न्यू ईयर क्या अभी तो नया साल हमारा शुरू ही हुआ है क्या हो गया अगर अभी नहीं हुआ जो गलतियां की है उससे सीख जरूर लो और उन गलतियों को फिर से मत दोहराओ बस इतना कहना चाहती हूँ और आप सभी के लिए मैंने आप सभी को एक प्रॉमिस किया था कि मैं आप सभी के लिए सेशंस लेकर आऊँगी कौन से सेशंस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा का पूरा रीजनिंग का सिलेबस करवाने वाली हूँ तो उसका एक एक सेशन हो चुका है जिसमें मैंने आपको बताया है फ्लोर uh, पजल्स बिल्कुल मतलब कहते हैं ना जिसने आज से पहले कभी भी कभी भी रीजनिंग को पढ़ा ही नहीं है कि बैंकिंग में रीजनिंग कैसा आता है उसको पता ही नहीं है तो आप तो आप सीख जाएंगे बहुत अच्छे से अगर आप बिल्कुल शुरुआत से लेकर अंत तक वीडियो को देखेंगे आप बहुत कुछ सीख जाएंगे तो पहला मेरा सेशन हो चुका है अभी आज भी कल शाम को पाँच बजे अपलोड किया था अभी आज शाम को भी पाँच बजे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बिल्कुल ज़ीरो से उसको शुरुआत मैंने उसमें की है और वो जो टॉपिक है मिक्स्ड कॉडिंग रिकॉर्डिंग मैंने आज कराया है एंड दैट इज़ समथिंग जो आपके प्री में भी पूछा जाता है मेन्स में भी पूछा जाता है और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है और बहुत मज़ा आता है सॉल्व करने में ठीक है तो इसी आज शाम को पाँच बजे याद रखना है कि इसी यूट्यूब चैनल पर पजल प्रॉपर वीडियो आएगा आपको देखना है और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना बस इतना ही कहना चाहती हूँ क्योंकि आ, ये वीडियो मैंने अभी इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका मतलब बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गए हैं और टेलीग्राम पर मैसेजेस आ रहे हैं सो आई थोट कि थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए आपको ठीक है चलिए मिलते हैं फिर हम लोग इसी तरीके से नेक्स्ट सेशन में आज शाम को पाँच बजे याद रखना टेक केयर एवरीवन